हेलो नमस्कार, मैं वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉमन एरर का क्वेश्चन, राइट। और वह क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक है और यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC का, राइट। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल और भाग 4 में नो एरर, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, मतलब 4 भाग है, बताना है किस भाग में मतलब गलती है, राइट। तो हम आपको बताते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको नाउन का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए यह वीडियो बकवास साबित हो सकता है, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ मेनी लिखा हुआ है, राइट। अब जानते हैं मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अगर इसको हम एस बनाएंगे तो यह राइट होगा, राइट। तो करने का मतलब पार्ट 1 में इसका एरर है, गलती है, राइट। देखिए इसका अगर आप हिंदी निकालना चाहेंगे तो निकलेगा अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को सक्सेसफुल डिक्लेयर्ड कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर्स एट अ फॉर्मल सेरेमनी। अब पार्ट 4 में लिखा हुआ है नो एरर, राइट। अब देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर, इस सेंटेंस का जो है प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ अलॉन्ग विथ, यह प्रीपोजिशन है, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हिज कैबिनेट कलीग्स, राइट। अब आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो द प्राइम मिनिस्टर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा, राइट, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब है, राइट। इस प्रकार से इसका मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो निकलेगा द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ, मतलब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ वेलकम्ड किए गए, किनके द्वारा, द बाय द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के द्वारा वेलकम्ड किए गए अपने कलीग्स के साथ एट अ फॉर्मल सेरेमनी, मतलब एक फॉर्मल सेरेमनी में। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई वाज नोट, यहाँ पे वाजन लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं वाज नोट, शॉर्ट फॉर्म है वाज नोट का, तो आई वाज नोट एट द लास्ट मीटिंग, एट द लास्ट मीटिंग एंड। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है नीदर वाज यू, अब आप जानते हैं यहाँ पे नीदर है एडवर्ब है, और नेगेटिव एडवर्ब जब होता है तो पहले आता है क्या आता है, ये आपका वर्ब आता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, देखिए, और सब जो वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट यू है, अब यू के साथ क्या आता है आप जानते हैं, यू है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, राइट, वर। यहाँ पे वाज दिया हुआ है गलती, तो भाग 3 में मतलब एरर है, इस 3 में एरर है, राइट। सही अगर करना होगा तो इस वाज को वर बनाना है, अगर हमको फाइंड आउट करना है एरर तो यहाँ पे 3 में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, और मैं आपको बता दूं इसका जो है हिंदी निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, एग्जामिनर आपको हिंदी निकालने को नहीं बोलता है, बस आपको देखना है गलती किस में है या कहाँ पे सही किया जा सकता है, किस भाग में। नेक्स्ट है एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, ये सब जो कहीं पे सब्जेक्ट अगर बनता है तो सिंगुलर, ये सब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देखिए आर जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इज होगा तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा, तो पार्ट 1 में इसका क्या हुआ, एरर हुआ, राइट, पार्ट 1 में एरर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, ये देखिए आपको मालूम होना चाहिए पुलिस जो है हमेशा जो है यह प्लूरल होता है, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट, द पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, हैज नहीं, राइट, हैव आएगा यहाँ पे, तब यह सही हो जाएगा, तो पार्ट इसका पार्ट 2 में एरर निकला, राइट, यहाँ पे पार्ट 2 में एरर निकला। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म के, और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।